पकड़ना वाला बूस ये रहा जो खुल करके बाहर निकल गया। और यहाँ पर चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। यह है मेरे पास होंडा कंपनी का एक्टिवा 3G बाइक है, 3G स्कूटर बाइक है, चाहे 3G है, 4G है, 5G है, 6G है, उससे मुझे कोई भी डिफरेंट नहीं है। या फिर आपको हीरो का स्कूटी बाइक है इससे मुझे कोई भी डिफरेंट नहीं है। बट यहाँ पर जो बात कर रहे देखिए रियर वाला जो इसका शॉकर है, रियर शॉकर में जो बूस, तो आप लोगों को पता है कि शॉकर में बूस नहीं लगा था, शॉकर का जो बूस है वो इंजन चैम्बर में लगा रहता है और बूस यहाँ पर लगा है। ऐसा ही कुछ हुआ इस बाइक के स्कूटर बाइक के अंदर कि इसका बूस जो है कट चुका है। इसके प्रॉब्लम से रियर से काफ़ी ज़्यादा खट 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 का साउंड आता है, जैसे बाइक को ड्राइव करते हैं गड्ढा में जाने के बाद खट 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 का साउंड आने लगता है। और ये बूस देखिए किस तरह से कट चुका है, देखिए जैसे इसको पीछे से दबाते हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है। यानी कि इस बाइक का जो रियर वाले शॉकर का जो बूस है जो चैसिस में लगा कट चुका है। इस बूस को कैसे खुद से रिप्लेस करना है इसके लिए लेथ वगैरह पे कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप आसानी से अपने वर्कशॉप पर ही इस शॉकर बूस को चेंज कर सकते हैं। रियर वाले को इसको चेंज करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा क्योंकि सभी मैकेनिक भाइयों के पास जुगाड़ नहीं रहता है, इसके लिए एक स्पेशल टूल्स भी आता है, वो टूल्स सभी मैकेनिक भाइयों के पास नहीं होता है। आसानी से अपने वर्कशॉप पर ही रियर वाले शॉकर बूस को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले अभी तक हमारे इस YouTube चैनल बाइक पॉइंट खजूर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले फटाफट इस बोल्ट को ओपन कर लेते हैं, रियर वाले पोर्शन को हम डाउन कर लेते हैं। 12 mm का 3 इंच लेकर के भी इस बोल्ट को आसानी से ओपन कर सकते हैं। एक तरफ से जो गुना बना है इसमें नट का जो सिस्टम है वो शॉकर में ही गुना बना है। बोल्ट ओपन हो गया तो पीछे दबा करके नट को हम बाहर देखें, ऑटोमेटिक जो है ये इंजन जो है नीचे चला गया और शॉकर जो है ऊपर चला गया। अब क्या करें, देखिए यही वो बूस है जो टूट चुका है, देखिए बूस जो है बिल्कुल भी कट चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए बूस किस तरह से कट चुका है, अभी हम देख लीजिए बूस जो है बिल्कुल कट चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बूस को करेंगे रिप्लेस। रिप्लेस कैसे करना है चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप बतला रहे हैं। इस बूस को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का आपको 2.5 सूता में आपको 4 से 5 इंची का समथिंग बोल्ट, इतना लंबा आपको बोल्ट ले लेना है, 5 इंची का समथिंग बोल्ट होगा, एक बोल्ट ले लेना है। इसके साथ साथ इस तरह इसमें जो नट फिट हो जाए, ये दो डबल नट लेना है, एक नट हमने ये रहा एक नट ये रहा, डबल नट ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 21 नंबर का एक गोटी रिंच लेना है। देखिए आप गौर से देखिए, देखिए 21 नंबर का एक गोटी रिंच लेना है, उसके साथ साथ आपको एक 13 नंबर का गोटी रिंच ले लेना है। देखिए दो गोटी रिंच ले लेना है। उसके बाद इस तरह का आपको 4 वार्सल लेना, 2 वार्सल को हम देखिए इसके अंदर इस तरह से डाल दिए हैं, यहाँ पे जो भी पाइप वगैरह लगा था सभी को ओपन कर दिए और एक गोटी रिंच जो हमने देखिए यहाँ से इस तरह से इसको सेटिंग कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, देखिए यहाँ पर रख दिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये 13 नंबर का गोटी रिंच है, 13 नंबर का गोटी रिंच को आपको इस तरफ से डालना है, इस तरफ से डाल दिए। अब उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 वार्सल डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इस नट को टाइट कर देना है। अब क्या करना है, आपको बोल्ट को टाइट करना है। 21 नंबर गोटी हमने इसलिए दिया है ताकि, और 13 नंबर गोटी इसलिए दिया क्योंकि 13 नंबर गोटी जो है बूस को अंदर की तरफ पुश करेगा और 21 नंबर गोटी के अंदर में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हॉल है, बूस जो बाहर निकलेगा वो इसके अंदर चला आएगा। चलिए इसको हम टाइट कर रहे हैं आस्ते आस्ते से। तेरह एम एम का रिंग स्पिनर लेकर के इसको हम आस्ते आस्ते यहाँ पर टाइट करेंगे, बूस आस्ते आस्ते बाहर निकल रहा है। देखिए बूस निकल करके आ गया बाहर। अब चलिए इसको हम खोल करके बाहर निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसानी से बिना टूल्स का हम शॉकर वाले बूस को ओपन कर लिए। देखिए अब आप सोच रहे बूस कहाँ गया पुराने वाले, तो देखिए पुराना वाला बूस ये रहा जो खुल करके बाहर निकल गया और यहाँ पर बूस ये रहा। देखिए कितना आसानी से बिल्कुल भी बूस बाहर निकल गया और बस। और 21 नंबर का हमने जो गोटी रिंच देखिए इसके अंदर बूस प्रॉपर आ जाता है, इसलिए हमने इस तरफ से 21 नंबर का गोटी डाल करके बूस को बाहर निकाले। तो फ्रेंड देखिए ये लोकल बोल्ट था इसलिए बूस को बाहर निकालने में यहाँ पे देखिए 1-2 बार गुना भी इसका फाइल हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे डबल नट कर दिए थे। उसके बाद अगर बात करें तो इसी बोल्ट के जगह, इतना लंबा जो बोल्ट है इसी के जगह लोकल के जगह TVS का बोल्ट रहता, काफ़ी आसानी से रियर वाले जो शॉकर बूस है आसानी से बाहर निकल जाता। यह देखिए रियर शॉकर वाले बूस है, ब्रांड न्यू बूस है। अगर इसका प्राइस का बात करें तो 35 से 40 रुपये इस बूस का प्राइस होगा। इस बूस को कैसे सेटिंग करना है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इस बूस पर क्या करते हैं, यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ग्रीस डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ग्रीस डाल दिए।
अब ये जो हॉल है, इस हॉल में हम थोड़ा थोड़ा करके ग्रीस का यूज कर लेते हैं ताकि प्रॉपर स्मूथनेस ये बुश अंदर चला जाएगा। क्या करना है, बुश को आपको यहाँ पे रख देना है, आस्ते से बुश को रख दिए। अब थोड़ा हम यहाँ पे हैमर से इस बुश को सेटिंग कर लीजिए, कस के आपको दबाव नहीं डालना, हैमर से थोड़ा ही कस के आपको दबाव डालना है, थोड़ा कस के हैमर से इसको सेटिंग कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, फिर वो सेम ट्रिक का यूज करना है बुश को सेटिंग करने के लिए। जो हमारा 21 नंबर का गोटी रेंच है इसको देना अंदर की तरफ से, इस तरफ से देखिए। अगर इसको हैमर की मदद से इसको सेटिंग करेंगे तो हो सकता है कस के हैमर लगा तो यहाँ से ये जो लुपी जाए जिसमें बुश सेटिंग टूट जाएगा, तो फिर आपको लेने का देनी पड़ जाएगा। और इसको वेल्डिंग भी करवाएंगे तो प्रॉपर नहीं चलेगा, और हो सकता है तो इसको चेंज ही करना पड़ेगा इस चैम्बर को, इसलिए यहाँ पे हैमर वगैरह का कुछ भी यूज नहीं करना। तो हमने कुछ इस तरह से रख दिया, अब इसके अंदर इस तरह से आपको बोल्ट को सेटिंग कर लेना है। और जो हमारा 22 नंबर का जो गोटी रिंग था उसको क्या करना है, जस्ट जो हमारा 21 नंबर का गोटी रिंग है इसको यहाँ पे रख देना है। जिस तरह से हम बाहर निकाल लेते उसी ट्रिक का आपको यहाँ पे फिर से यूज करना है, बुश ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेटिंग करने में उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि इस बुश को बाहर निकालने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखे थे कितना प्रॉब्लम हुआ था इस बुश को बाहर निकालने में। सेटिंग तो बहुत जल्द हो जाए लेकिन बाहर निकालने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बोल्ट को टाइट करें, ऑटोमेटिक बुश जो हमारा अंदर जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, रियर वाले जो सॉकर का बुश था उसको हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब चलिए इस बोल्ट वगैरह को खोल करके हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस सॉकर को फिट कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए, बुश हमारा जो था सॉकर वाले, रियर सॉकर वाले बुश जो है परफेक्ट सेटिंग हो गया। तो आप इस ट्रिक का यूज करके आसानी से अपने वर्कशॉप पे रियर वाले सॉकर बुश को आसानी से चेंज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बात करें तो फ्रंट वाले लिंक बुश को कैसे चेंज किया जाता है, इसका पार्ट नंबर क्या, प्राइस क्या है, इन सब पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।